मैं सिंपी अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज गोल्ड फिश। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, उबले आलू मैश किए हुए, जीरा, गरम मसाला, भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, लौंग, हरे लहसुन के पत्ते, हरी मिर्च, नमक, ऑयल और हरा धनिया। सबसे पहले हम पैन को गर्म कर लेते हैं और अब हम इसमें तेल को डालकर गर्म करते हैं। अब हम इसमें तड़का डालेंगे जीरे और हरी मिर्च और लहसुन के पत्ते से। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, दो चम्मच चाट मसाला पाउडर डालकर भूनेंगे और अब हम इसमें आलू डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दो मिनट तक हमें इसे भूनना है और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मिक्स करने के बाद हरा धनिया डालेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक बाउल लेते हैं और इसमें हम एक कटोरी मैदा और आधी कप ऑयल लेंगे और इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसे गर्म पानी से गूंथ लेंगे। हमने आटा तैयार कर लिया है और अब हम इसे छोटे छोटे पूरियां बनाएंगे। हमारी पूरियां एक साइज की बने इसलिए हमने कटोरी की हेल्प ली है, तो हम अभी इसे काट लेंगे। हमने इसे थोड़ा चौकोर में काटना है इस तरह से। ये हमने दोनों तैयार कर लिया है। अब हम इस पूरी पर आलू रखेंगे जो कि हमने भूनकर तैयार किया हुआ है और अब हम इसे कवर कर लेंगे। इसे कवर करने के लिए पानी लगाकर ही इसे अच्छी तरह से करते हैं और इस तरह से हम इस पर कट करेंगे। और आप देख सकते हैं हमें इस तरह से इसको फिश का आकार देना है। ये हम पानी की हेल्प से इसे अच्छी तरह से चिपका लेंगे। अच्छी तरह से इसे चिपकाना है, नहीं तो ये तेल में फ्राई करते समय खुल जाएंगे तो आलू बाहर निकल आएंगे। हम इसके पंखों को आप सही आकार देने के लिए इसे किनारे बीच से काट लेते हैं और किनारे से थोड़ा सा निकाल लेते हैं। अब हम इसके आँख बनाने के लिए हमने लौंग इसमें डाल दिया है। हमने दो फिश तैयार कर लिए। फोक की हेल्प से हम इसके पंख बना लेते हैं। हमने ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसे धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से इसे गोल्डन कलर में फ्राई करना है। हमारा गोल्ड फिश रेडी हो चुका है। आप इसे सॉस के साथ या चटनी के साथ सर्व करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।